रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला शहर में आ रहे हैं। उनकी बात सुनने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। रैली में हमारी विधानसभा से अधिक लोग वहां जा सके, इसके लिए बैठक आयोजित की गई है। अनिल विज अंबाला छावनी के ग्रेस पैलेस में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज तापमान 43 डिग्री है और इतने तापमान में भी आप सभी यहां पर बैठक में शामिल होने पहुंचे, इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर हमारे सैनिक शून्य से नीचे तापमान में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से पीछे नहीं हटते और डटे रहते हैं, तो फिर देश में देशभक्त सरकार बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता कैसे रुक सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली में पहुंचकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुने। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। पहुंचने के लिए हम पूरी तरह से सभी लगे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि 18 तारीख को गोविंदर मोदी जी हमारे पार्लियामेंट्री में अंबाला शहर में आ रहे हैं। ये अंबाला का सौभाग्य है और उनकी बात सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए लोगों के बीच में बहुत चाहत रहती है। वहां पर हमारी असेंबली सेगमेंट के अधिक से अधिक लोग वहां जा सकेंगे। उसी के लिए आज की ये बैठक है। मैं अभी अपने मोबाइल पर देख रहा था कि आज जो तापमान है वो 43 डिग्री है और इतने तापमान में भी आप यहां पर मीटिंग में शामिल होने के लिए आए, उसके लिए मैं आप सबका आभार करूंगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।